तो गाइस वाइट ट्रिक को करने के लिए सिंपली से तुमको कुछ नहीं करना, ट्रेनिंग ग्राउंड के कॉम्पैक्ट जोन में आ जाना है और आने के बाद इस वाली गाड़ी के पास भी आ जाना है। अब इस वाली गाड़ी के पास आना है भाई साहब, जैसे मैं सेम कर रहा हूं, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उसे तुमको करना होगा। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद तुमको जैसे मैं बैठ रहा हूँ वैसे ही बैठना होगा। तो यहाँ पे देखो मेरा पैर, एक पैर नीचे है और एक पैर गाड़ी के ऊपर है, तो इस तरह करके तुमको भी बैठ जाना होगा। अब फिर सेकंड नंबर क्राफ्ट टूल को लेना, क्राफ्ट टूल पहले चूज करना, फिर सेकंड नंबर वाला चूज कर लेना और फिर जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाना सिंपली से। तो भाई लोग बैठ के सेकंड नंबर वाला क्राफ्ट टूल को लगा देना, और लगाने के बाद जैसे तुम लगाओ क्राफ्ट टूल वैसे ही तुमको अपना जॉयस्टिक को आगे की ओर खींच देना है, मतलब आगे को बढ़ा देना है। अब देखो मेरा सर चला गया गाड़ी के अंदर, पूरी बॉडी नहीं जा पा रही, तो हम ट्राई करेंगे मतलब जॉयस्टिक को आगे को खींचेंगे, नहीं जा रहा है ना तो कोई बात नहीं, ग्लिच है ये, कभी कभी वर्क करती कभी नहीं करते तो कोई बात नहीं, फिर से हम ट्राई करेंगे। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठना तुमको। अब देखो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बैठना तो एक पैर तुम्हारा नीचे रहना चाहिए और एक पैर गाड़ी के ऊपर रहना चाहिए जैसे मैं रखा हूं, और सेकंड वाला क्राफ्ट टूल लेना। इस बारे पॉइंट ऑफ दिस भैया वाला ध्यान देना कि मेरा पैर जो है क्राफ्ट टूल, देखो एक पैर थोड़ा सा खुला हुआ है, तो तुमको ऐसा ही क्राफ्ट टूल लगाना होगा। तो इसे लगाओगे, अपने क्राफ्ट टूल को लगाओ और जॉयस्टिक को तुरंत आगे की ओर खींच दो, तो बूम बाम देख सकते हो तुम इसके अंदर आ जाओगे। अब भाई हम पूरे गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं सबको मार सकता हूं, लेकिन भाई साहब जब तुम मतलब कि अंदर से मारोगे ना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, मतलब ओ भाई। अब एक यहाँ पे एक बगाव निकल के आ गया, अगर तुम अपने जॉयस्टिक को थोड़ा सा भी मूव कर देते हो ना तुम बाहर आ जाओगे। तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अब तुमको फिर दिखाएंगे अपने जॉयस्टिक को नहीं खींचना भाई साहब इसके अंदर जाने के बाद। तो देखो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, और क्राफ्ट टूल को ऐसे सेट करोगे तुम्हारा थोड़ा सा पैर दिखता रहे, तो कोई बात नहीं फिर से ट्राई करेंगे, मतलब कि ग्लिच है, मैंने बोला था ना ग्लिच होती है, कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती। तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे गाड़ी के, और क्राफ्ट टूल को लेना है और थोड़ा सा पैर दिखता रहे ऐसा सेट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे अब बूम बम देख सकते हो, फिर से हम अंदर आ चुके हैं। तो इसी तरह करके तुम आराम से आ सकते हो। अब यहाँ से अपने इसके अंदर आने के बाद अपने क्राफ्ट टूल मतलब कि अपने जॉयस्टिक को मत खींच इधर उधर मूव करना, नहीं तो तुम बाहर आ जाओगे। अब यहाँ से तुम खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, खड़े होकर तुम किसी को मारोगे तो बंदा मर जाएगा, उसको डैमेज जाएगा, और अगर बैठ के मारोगे ना तो उसको फेक डैमेज जाएगा। तो इस तरह करके तुम आराम से इसके अंदर रह सकते हो यार। तो गाइस यार अभी तक मैं तुम लोगों से लाइक करने के लिए नहीं बोला, तो यार अगर वीडियो पसंद होती है आप एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस के लिए। तो यार मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।